देश भर में मानसून की मार, सत्राही माम आज भी 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। बेहिसाब बारिश से बेहाल हुई राजधानी दिल्ली, जगह जगह वाटर लॉगिंग से लोगों को हो रही खासी परेशानी। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी भी जारी। हरियाणा के यमुना में 1,00,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली सरकार का अलर्ट। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 साल का रिकॉर्ड। 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर हुई बारिश। मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, सीएम अरविंद केजरीवाल का आदेश। दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी लिया संज्ञान। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से की बात। दिल्ली में बारिश के दौरान रविवार को 2 लोगों की मौत। सब्जी मंडी इलाके में दीवार गिरने से महिला की मौत, जबकि रोहिणी में ऑटो पर पेड़ गिरने से ड्राइवर की मौत हुई। रविवार को बारिश के दौरान 6 जगहों पर गिरे पेड़, 4 जगह सड़क धंसी। अलग अलग घटनाओं में 5 लोग जख्मी भी हुए। दिल्ली के सीलमपुर में बारिश के कारण एक मकान का छज्जा गिरा, 2 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के सुंदरनगर में भारी बारिश से गिरी दीवार, रोहिणी में सड़क का हिस्सा धंसा। दिल्ली में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक, कई जगहों पर लंबा जाम लगा। दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव को लेकर आज प्रदेश बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सुबह 11 बजे धरना देंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। भारी बारिश की वजह से नोएडा प्रशासन का फैसला, आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश और कांवड़ यात्रा की वजह से गाजियाबाद प्रशासन का आदेश, 10 से 15 जुलाई तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। गाजियाबाद के कांवड़ शिविरों में पानी भरा, कांवड़ियों को हो रही है परेशानी। गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी इलाके में बारिश से हालात बिगड़े, दौलतनगर गांव में एक दर्जन परिवार पानी में फंसे। ट्रॉनिक सिटी गाजियाबाद में लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को बुलाना पड़ा, 12 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम में आज भी बारिश का अनुमान, सभी स्कूल बंद रहेंगे। निजी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश से पूरा शहर दरिया में तब्दील हुआ, वाटर लॉगिंग से लोगों को भारी परेशानी, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां। फरीदाबाद में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, भारी बारिश के चलते प्रशासन का फैसला, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। पंजाब के कई इलाकों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना से मदद मांगी। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में आज और कल सभी स्कूल रहेंगे बंद, बारिश के अलर्ट को देखते हुए फैसला। पंजाब की मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और नवाज शहर में आज सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, भारी बारिश के अलर्ट की वजह से फैसला। पंजाब की डेराबसी में भारी बारिश, शेक निजी हाउसिंग सोसाइटी में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया, जरूरी सामान मुहैया कराया। पंजाब में बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट, पंजाब पुलिस बोली स्थिति पर सीएम मान की नजर। हिमाचल प्रदेश में भी 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत, ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से नगांव में फंसे 6 लोगों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और बाढ़ का कहर, पूरा का पूरा ब्रिज नदी में समाया। कसोल में दिखा भयावह मंजर, बाढ़ की चपेट में आने से कई गाड़ियां बही। कुल्लू के मणिकर्ण में पार्वती नदी में बाढ़ जैसे हालात, खौफ में आसपास के लोग। बनीखेत के पास चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक, सड़क में दरारें पड़ने से रुकी वाहनों की आवाजाही। शिमला के कलंगा गांव में भारी बारिश की वजह से इमारत दही, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। शिमला कालका रूट पर सभी ट्रेनों का परिचालन स्थगित, लगातार हो रही बारिश की वजह से लिया गया फैसला। शिमला में बारिश से उखड़े बिजली के पोल, पेड़ भी गिरे, मरम्मत में जुटा प्रशासन। खराब मौसम की वजह से सीएम सुक्खू की लोगों से अपील, किसी भी नदी के किनारे ना जाएं। हिमाचल में बारिश से 776 सड़कें बंद, लैंडस्लाइड से कई पेड़ गिरे, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी जानकारी। गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, बारिश में हुई नुकसान की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के 8 जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, राज्य में रविवार को अलग अलग हुए हादसों में 6 लोगों ने गंवाई जान। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, त्रिवेणी घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के गंदोह में लैंडस्लाइड की चपेट में आई बस, 2 लोगों की मौत, 2 लोगों को बचाया गया। रामबन के पंथयाल में T5 टनल के पास बही सड़क, वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है। उधमपुर के डुडुक क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक पुल बहा, 3 क्षेत्रों को जोड़ता था ये पुल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जीरो ब्रिज का दौरा किया, बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों से बात की। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी से बात की, अमरनाथ यात्रा का जायजा लिया। भारी बारिश से देश के उत्तरी हिस्सों में 20 ट्रेनों का परिचालन बाधित, नदन रेलवेज ने दी जानकारी।
गुजरात के राजकोट में भारी बारिश, आशापुरा बांध ओवरफ्लो होने से पानी शहर में घुसा। अजमेर में हुई बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हुई। बारिश का पानी लोगों के घरों तक घुसा, पानी निकालते हुए नजर आए लोग। जबलपुर में लमेटा घाट के पास गोपालपुर गांव में 4 लोग नर्मदा नदी में फंसे, देर रात तक राहत बचाव अभियान चलाया गया, लोगों को बचाने की कोशिश की गई। अलीगढ़ में जलभराव की वजह से बड़ा हादसा, एक घर का ग्राउंड फ्लोर गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची, मौके पर पुलिस ने चलाया राहत बचाव का काम। मेरठ में बीती रात अचानक बदला मौसम का मिजाज, हरिद्वार रुड़की हाईवे से सामने आया वीडियो। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में आज 697 बूथों पर दोबारा हो रहा है मतदान, हिंसा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बंगाल के चुनाव के दिन 18 लोगों की मौत हुई थी। बंगाल की मुर्शिदाबाद में नाले में मिले 3 बैलेट बॉक्स, लोगों ने कहा डर का है माहौल, टीएमसी के कार्यकर्ता धमकाते हैं। पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ बीजेपी का श्री कृष्णापुर में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पंचायत चुनाव हिंसा के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। बंगाल चुनाव आयुक्त से मिले बीजेपी नेता, कहा 10 से 12 हजार बूथों का कैप्चर हुआ, दोबारा चुनाव की मांग। मुर्शिदाबाद में मृतक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के परिवार से मिले अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी पर है हत्या करने का आरोप। अधीर रंजन चौधरी ने कहा 3 से 4 बूथ पर कब्जा करने के लिए की गई हत्या, न्याय के लिए सड़क और कोर्ट तक जाएंगे। दक्षिण दिनाजपुर के हिंसा वाले इलाके में पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। बंगाल हिंसा पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस से सवाल, क्या बंगाल में कहर मचाने वाली टीएमसी से हाथ मिलाना मंजूर है? बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीएसएफ का बयान, संवेदनशील पोलिंग बूथ की नहीं मिली लिस्ट, जहां जवान तैनात थे वहां हुई शांतिपूर्ण वोटिंग। ममता के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोले, मरने वाले 18 लोगों में 11 टीएमसी कार्यकर्ता, बीजेपी और लेफ्ट हिंसा में शामिल। उत्तर दिनाजपुर में चाकुलिया थाना इलाके में भी हुई हिंसा, उपद्रवियों ने वाहनों को आग के हवाले किया। मुर्शिदाबाद के खारग्राम में पथराव, इलाके में पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात, पुलिस की एक गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई, इलाके में पुलिस ने बढ़ाई मुस्तैदी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार, आज से शुरू होने वाला है 14 जुलाई तक चलने वाला बिहार का विधानसभा का मानसून सत्र। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे, शरद पवार से मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे आज अमरावती जाएंगे, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, शाम में नागपुर जाएंगे उद्धव। अजीत पवार के सीएम बनने के सवाल पर बोले शिंदे गुट के शंभू राजे देसाई, 2024 तक शिंदे ही रहेंगे सीएम। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा सबसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में कर रहे शामिल, पार्टियों को तोड़ने की कर रहे साजिश। आरपीआई चीफ रामदास अठावले का बयान, कोई किसी की पार्टी को तोड़ नहीं सकता है, बीजेपी पर आरोप लगाना गलत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के पंचमहल जाएंगे, 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज गुजरात से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे, 3 सीटों पर होने जा रहे चुनावों के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुना में नफरत फैलाने के आरोप में FIR दर्ज, RSS के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर को लेकर किया था ट्वीट। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने दायर की है याचिका। इस हफ्ते होने वाली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के जरिए भारत स्पेस में रचेगा कीर्तिमान, चंद्रमा पर स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला 4th देश बनेगा भारत। दिल्ली के बाद आज से ग्रेटर नोएडा में सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, 16 जुलाई तक श्रीमद भगवद गीता का होगा पाठ। आज सावन का पहला सोमवार, काशी समेत देश भर के मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रहे हैं भक्त, कर रहे हैं जलाभिषेक। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना, सुबह भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु। जलगांव के सुप्रीम कॉलोनी इलाके में शिव मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद में पथराव, 5 लोग मामूली रूप से घायल। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में निर्माणाधीन माल के पास सड़क और फुटपाथ धंसा, लगातार हो रही बारिश से गड्ढे में भरा पानी। तुर्की ने यूक्रेन के 5 कमांडरों को किया आजाद, राष्ट्रपति जेलेंस्की कमांडरों को लेकर कीव लौटे। सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष जारी, ओमडुरमैन में एयर स्ट्राइक में 22 लोगों की मौत। पाकिस्तान में यात्री वैन में विस्फोट से 8 लोगों की मौत, गैस सिलेंडर के लीक होने से हुआ धमाका। चीन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, सड़कें बनी दरिया, मकान ढहे। इटली के कई शहरों में भीषण लू का कहर, बुजुर्ग बच्चे और कमजोर लोगों के लिए अलर्ट जारी। जर्मनी के कोलोन में LGBTQ कम्युनिटी ने निकाला प्राइड मार्च, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
पहले टी20 मैच में भारतीय विमेन टीम ने बांग्लादेश को हराया, 7 विकेट से जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत ने 50 जड़ी, स्मृति मंधाना ने 38 रन बनाए। बांग्लादेश ने 114 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय विमेन टीम ने 17वें ओवर में जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज के डोमिनिका में टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम, विराट कोहली ने फैंस को थम्स अप का इशारा कर शुक्रिया कहा। बंगलुरु में बिना नी कैप के पहली बार नजर आए ऋषभ पंत, धीरे धीरे हो रही है घुटने की रिकवरी। वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर फाइनल मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को हराया, 128 रनों से दी शिकस्त। आईसीसी बोर्ड की सालाना बैठक आज, बीसीसीआई के राजस्व पर लगेगी मुहर। एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 3 विकेट से जीत दर्ज की। जापान के खिलाड़ी को हराकर कैनेडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु सेमीफाइनल में हार कर बाहर हुई।